threshold and dynamic equilibria for compartmental models of disease transmission. In his paper में reproduction number calculate करने का method बताया गया कि कैसे calculate किया जाए. अब देखें इंट्रोडक्शन में ही देंगे. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न अबाउट एनी इन्फेक्शियस डिजीज इज इट्स एबिलिटी टू इन्वेड अ पॉपुलेशन, यानी कितनी स्ट्रेंथ से वो किसी पॉपुलेशन में एंटर हो रही है. मैनी एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स हैव अ डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम एट विच द पॉपुलेशन रिमेन्स इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज. Many epidemiological models have a disease-free equilibrium at which यानी एक disease-free equilibrium exist करता है जिसमें यानी diseased classes zero हो जाती हैं उसमें. At which the population remains in the absence of disease. यानी उसमें हमेशा हमारे पास हाँ disease free का मतलब यही है कि उसमें disease खत्म हो गई. जब disease खत्म ही हो गई तो disease classes zero हो गई, फिर बाकी जो population है उसको discuss कर रहे होते हैं या वो calculate कर रहे होते हैं. These models usually have a threshold parameter known as a basic reproduction number or not. यानी ऐसे सारे जो models हैं एक threshold parameter उनका होता है जो जिसको हम कहते हैं बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर. सच दैट इफ आर नॉट इज लेस देन वन देन द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम इज लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल. यानी वो जो थ्रेशोल्ड पैरामीटर है अगर वो लेस देन वन हो तो फिर डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम जो हमने कैलकुलेट किया होता है वो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होता है. लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब यही है कि किसी खास डोमेन में अगर उसकी इनिशियल वैल्यूज ले वेरिएबल्स की तो फिर वो इस इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जो है वो इस पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं जो हमने कैलकुलेट किया होता है डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम. एंड डिजीज कैन नॉट इन्वेड द पॉपुलेशन, और डिजीज फिर नहीं रहती पॉपुलेशन में, खत्म हो जाती है. But if are not greater than one, then the disease-free equilibrium is unstable and invasion is always possible. यानी लेकिन अगर ये जो threshold parameter है ये greater than one हो जाए तो फिर disease-free equilibrium जो होता है वो unstable हो जाता है. Unstable का मतलब ये है कि solution फिर उसको approach नहीं करता, उससे away चले जाते हैं और disease फिर मौजूद रहती है. Deckman et al. Defined R naught as the spectral radius of the next generation matrix. यानी कि इस पेपर में वो R naught को कैसे डिफाइन करता है कि spectral radius of the next generation matrix. Next generation matrix का अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो आगे कैलकुलेट करेंगे कि next generation matrix का वो डिफाइन करता है कि जो spectral radius होता है. Spectral radius क्या होता है? Maximum of the eigen value of the matrix. यानी वो जो है वो हमारे पास आर नॉट होता है. वी राइट डाउन इन डिटेल अ जनरल कंपार्टमेंटल डिजीज ट्रांसमिशन मॉडल सूटेड टू हेटरोजीनियस पॉपुलेशन दैट कैन बी मॉडल्ड बाय अ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. हेटरोजीनियस पॉपुलेशन यानी कि हम उसमें करेंगे जो उसमें सूट कर रहा है जी, कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉडल होगा. और दूसरा हेटरोजीनियस पॉपुलेशन, हेटरोजीनियस पॉपुलेशन का मतलब ये है डिफरेंट. एक होता है होमोजीनियस यानी उस कंपार्टमेंट में सारे ही एक जैसे हैं, जैसे ससेप्टेबल है, एक ही कंपार्टमेंट है सारे ही ससेप्टेबल है, ठीक है. इन्फेक्शियस है, एक कंपार्टमेंट है उसमें सारे ही इन्फेक्शियस हैं. लेकिन एस और आई दोनों डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, ये हेटरोजीनियस हो गई. ऐसे पॉसिबल है मतलब कि ससेप्टेबल के तीन चार? नहीं हाँ वो ऐसे वो तो डिपेंड करता है ना. ससेप्टेबल अगर हम उसकी डिफरेंट क्लासेस बना लें, ससेप्टेबल की भी डिफरेंट क्लासेस बन सकती हैं ना. आगे वी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स फॉर दिस मॉडल मॉडल एंड एग्जामिन द थ्रेशहोल्ड आर नॉट इज इक्वल टू वन इन डिटेल. यानी ये जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू है उसकी उसको डिटेल से चेक करेंगे कि अगर लेस देन वन हो तो क्या होता है, ग्रेटर देन वन हो तो क्या होता है. The model is suited to a heterogeneous population in which the vital and epidemiological parameters for an individual may depend on such factors such as the stage of the disease,
स्पेशल पोजीशन एज आर बिहेवियर, यानी उस ये जो उसके पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट इस पे डिपेंड कर सकते हैं कि डिजीज़ की स्टेज क्या है, उसकी स्पेशल पोजीशन यानी स्पेस में वो स्पेशल पोजीशन का मतलब है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स कौन से कंपार्टमेंट हैं, एज आर बिहेवियर यानी एज के हवाले से भी। However, we assume that the population can be broken into homogeneous subpopulations or compartments such that individuals in a given compartment are indistinguishable from one another. यानी वो जो total population है वो homogeneous subpopulation में divide की जा सकती है। जिस तरह मैंने बताया कि suppose total population divide कर देते हैं susceptible में भी, infectious में भी और recovered में भी, और susceptible जो है वो एक homogeneous compartment हुआ, homogeneous compartment हुआ किसका, टोटल पॉपुलेशन का, सारे जैसे जिसमें ससेप्टेबल वो होमोजीनियस हुए ना एक दूसरे से एक जैसे, अगर इन्फेक्शन भी आगे ससेप्टेबल हुए हेट्रोजीनियस। हाँ बिल्कुल, दैट इज द पैरामीटर्स मे वेरी फ्रॉम कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट बट आर आइडेंटिकल फॉर ऑल इंडिविजुअल विद इन अ गिवन कंपार्टमेंट। यानी पैरामीटर्स वो कंपार्टमेंट से कंपार्टमेंट वेरी करेंगे लेकिन किसी सारे इंडिविजुअल जो है एक गिवन कंपार्टमेंट के अंदर एक जैसे ही होंगे, यानी ससेप्टेबल के अंदर सारे एक जैसे ही होंगे, इन्फेक्शन के अंदर सारे एक जैसे ही होंगे, सारे ही इन्फेक्शन है ना। वी आल्सो अज्यूम दैट द पैरामीटर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ टाइम एन इंडिविजुअल हैज स्पेंट इन अ कंपार्टमेंट। यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वो हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो उस टाइम पे नहीं डिपेंड करते कितना टाइम वो रहे हैं किसी कंपार्टमेंट। The model is based on a system of ordinary differential equation describing the evolution of the number of individuals in each compartment. यानी कि कितना evolution उसकी के अगले compartment में जो describe कर रहे हैं जी उस compartment में किस तरह आए हैं, कितना देर रहे हैं। In addition to showing that R naught is a threshold parameter for the local stability of the disease equilibrium, we apply center manifold theory to determine the existence and stability of endemic equilibrium near the threshold. यानी local stability disease free equilibrium के लिए center manifold theory apply करेंगे, उसकी existence के लिए एंडेमिक इक्विलिब्रियम के अगर वो थ्रेशहोल्ड वैल्यू जो है आर नॉट उसके अगर क्या नेबरहुड में रहता है तो एंडेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। वी शो दैट सम मॉडल मे हैव अनस्टेबल एंडेमिक इक्विलिब्रियम नियर द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम फॉर आर नॉट लेस देन वन। यानी कि आर नॉट अगर लेस देन वन हो तो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम की नेबरहुड में जो एंडेमिक इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल हो, यानी वो ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का मतलब यानी यही है कि सॉल्यूशन स्टेबल हो तो उसको अप्रोच, एक होता है स्टेबल और एक होता है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। सिंपल स्टेबल का मतलब यह है कि सॉल्यूशन उसकी नेबरहुड में रहता है उस पॉइंट की लेकिन उसको अप्रोच नहीं करता, और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब यह है कि सॉल्यूशन उस पॉइंट को अप्रोच कर जाता है जो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट किया। हाँ जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने उसको अप्रोच कर जाता है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, सिर्फ तो उसकी नेबरहुड में लाई करता है, हाँ वो लाई नहीं करे। दिस सजेस्ट दैट इवन दो द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम इज लोकली स्टेबल द डिजीज मे परसिस्ट। यानी अगर तो एंडेमिक इक्विलिब्रिया डिजीज फ्री के नेबरहुड में रह रहा है लेस देन वन के लिए, इसका मतलब यह है कि डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम लोकली स्टेबल है, किसी खास डोमेन में वो डिजीज फ्री को भी अप्रोच कर रहे हैं और उस डोमेन से जो ही बाहर जाते जाएंगे, बेशक रिप्रोडक्शन नंबर लेस देन वन है तो उस डोमेन से जो ही बाहर जाते जाएंगे वो एंडेमिक इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाएगा।